मुजफ्फरनगर के मसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित बेगराज पूर्व चौकी पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने लगे। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश अरशद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश अरशद का साथी सलीम पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा। फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घायल बदमाश अरशद के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की है। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि पकड़ में आया बदमाश अरशद बड़ा ही शातिर किस्म का डकैत है, जिस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे विभिन्न थानों में लूट, डकैती, चोरी जैसी धाराओं में दर्ज है। अरशद पर 25,000 का इनाम घोषित था और इसके साथ फरार साथी सलीम को पकड़ने के लिए टीम भी लगा दी गई है। ये आज ये डेली की तरह रूटीन चेकिंग चल रही थी यहाँ बेगराजपुर चौकी के पास। इधर से खतौली की तरफ से चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आते हुए नजर आए। जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा मोटरसाइकिल नहीं रोकी गई और ये जो आपके बेगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड लिंक रोड है, इस पर उनके द्वारा मोटरसाइकिल मोड़ी गई। आगे और एक लिंक रोड जाती है जिस पर उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया तो आगे पेड़ पड़े हुए थे जिससे मोटरसाइकिल स्किट हो गई और फिसल गई। जो बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस जो पीछे आ रही थी उस पर किया गया, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया गया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल हो गया, गिर गया बदमाश, और दूसरा बदमाश भाग गया। जो बदमाश था उसकी पहचान अरशद के रूप में हुई है, जो कि एक शातिर लुटेरा और डकैत है। इसके ऊपर लगभग 18 से 20 के लगभग मुकदमे हैं और सभी लूट डकैती के मुकदमे, ज़्यादातर इसमें गैंगस्टर एक्ट भी इस पर लगा है। ये 25,000 रुपये का इनामी था और हमारे यहाँ की दो लूट, थाना फुगाना और थाना खतौली, इन दो लूटों में वांटेड था। बरामद इसके पास से जो हथियार है जिससे इसके द्वारा फायर किया तमंचा, वो है कारतूस, खाली और भरे दोनों कारतूस बरामद है। जो फरार बदमाश है सर, उसकी पहचान हुई? जो फरार बदमाश है उसकी पहचान बताया गया, जो इसने बताया, सलीम के रूप में हुई है। ये इसके साथ का लुटेरा है। और मुजफ्फरनगर से ये थी अमित कुमार की रिपोर्ट।